खातेगांव पुलिस ने वाहन चुराने वाली एक गैंग के चार सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से चोरी की 9 बाइक जब्त की गई हैं, जिनका बाजार मूल्य 6 लाख रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों ने 4 बाइक खातेगांव से और 5 बाइक अन्य थाना क्षेत्र से चोरी करना कबूल किया है। खातेगांव थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि सीहोर निवासी ताहिर की रिश्तेदारी चूना भट्टी खातेगांव में है। वह खातेगांव आता जाता रहता है और उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। जानकारी सही निकलने पर पुलिस ने ताहिर को घर से उठाया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी गब्बर के साथ बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि चोरी की गई कुछ बाइकें उन्होंने शफीक मैकेनिक को भी दी हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। शफीक ने पूछताछ में 3 बाइक शाकिर को देना बताया। पुलिस ने चारों आरोपियों के कब्जे से कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। अन्य प्रकरणों में भी उक्त आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये वाहन चोरी की जो घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास द्वारा लगातार निर्देशित किया गया था कि इन वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण कन्नौज एवं श्रीमान SDOP महोदय के निर्देशन में हमारे वहाँ भी एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार इस प्रकार की मोटरसाइकिल चोरी और अन्य वाहन चोरी की घटनाओं में अज्ञात आरोपियों की तलाश पतराशी कर रही थी। हमारी टीम को विश्वसनीय मुखबिर से जानकारी मिली कि सिंगार चोली के 2 युवक हैं, कोई वो इन घटनाओं में संदिग्ध हैं, लिप्त हैं। उस सूचना के आधार पर सिंगार चोली का गब्बर पिता भूरा खान और एक अन्य आरोपी है ताहिर पिता नौशाद खान। ताहिर की रिश्तेदारी चूना भट्टी में है, खातेगांव में। उसके नाना नानी यहाँ रहते हैं, उसका आना जाना यहाँ था और इन दोनों ने मिलकर यहाँ से खातेगांव से 5 मोटरसाइकिल चोरी की थी। उक्त दोनों आरोपियों को हमारी पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया और अन्य थाना क्षेत्रों में भी कुछ चोरी की घटनाएं जो इन्होंने की है, वो मोटरसाइकिल भी इनसे हमें मिली है। इनके साथ घटना में अन्य 2 आरोपी भी जो पूछताछ के आधार पर सामने आए हैं, नाम अतवास का एक शफीक है और अतवास का एक शाकिर है, जिसको इन्होंने मोटरसाइकिल बेचना बताया था। उक्त दोनों आरोपियों को भी हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुल 4 आरोपी हैं ये। इन 4 आरोपियों से 9 मोटरसाइकिल हमने जब्त की और आज इनको हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।